हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी टू बिकम टीचर इन आर्मी स्कूल। आर्मी स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है या करियर चूज करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी, क्या क्या आपको गाइडलाइंस जो है फॉलो करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, सिलेबस क्या कवर करना है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आर्मी स्कूल ऑल्दो जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको जो है इसका टेक केयर करती है, बट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी स्कूल एंटायरली एक प्राइवेट और अनएडेड एजेंसी है और इसमें जॉब करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। ये एक कम्प्लीटली 100% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल है, बट जो आपका वर्किंग एटमोसफियर है और जो सैलरी है वो जो बाहर के प्राइवेट स्कूल हैं उनसे फार बेटर है। आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जिससे जो है आप अपने बच्चों में भी बहुत अच्छे से एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं और ख़ुद को भी डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे वर्सेटाइल बनने के लिए आपके पास बहुत सुंदर जो है ये मौका होता है। AWS के फॉर्म्स भरने के लिए आपको किसी भी और वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। इसके फॉर्म्स केवल इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है और उसका जो एड्रेस है वो है आपका www.awesindia.com। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है और इसको सीधे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही रजिस्टर करिए, क्योंकि अगर आप किसी और वेबसाइट के थ्रू इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत सारे जो है अनरेलेवेंट जो पेजेस हैं उनमें घुमाते रहते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यही जो है इंडिया का AWS इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही आप जो है वेबसाइट में इन होते हैं उसके बाद ये उनका जो है फ्रंट पेज है ये आ जाता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके उसमें जो है आप क्लिक हियर फॉर डिटेल्स, इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास जो है विंडो में ये डेट्स आ जाती हैं। बट ये सारी डेट्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये लास्ट ईयर की है, 2019 की हैं। तो ऐसे ही इस साल भी जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हो सकता है वो 2000 सितंबर से स्टार्ट हो, बट फिर भी जो है हम लास्ट ईयर के जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को एक बार स्टडी कर ले, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है प्रोसीजर सेम ही होता है। इस बार कोविड के कारण हो सकता है डेट्स में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा और आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट फिर भी होपफुली हम सोच रहे हैं कि 1 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा CSB का, और जो कि आर्मी स्कूल में टीचर्स बनने के लिए कंपलसरी होता है। तो जो फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 सितंबर 2019 को है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो आपका एंड हो रहा है वो आपका 22 सितंबर को है। तो इन डेट्स के विदिन जो है आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है वो आपको 4 अक्टूबर को दी जाती है और 19 और 20 अक्टूबर को जो है आपको एग्जामिनेशन देने के लिए अपने सेंटर में जाना पड़ता है। 2 डेज हैं वो इसलिए क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और एग्जामिनेशन सिस्टम में जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके पास कम होते हैं, तो ये शिफ्ट में होती है। कुछ कैंडिडेट्स को 19 को बुलाया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को 20th को बुलाया जाता है, मतलब 2 दिनों में बुलाया जाता है। और हालांकि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है तो इसका रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और 1 या फिर 8-10 दिनों के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो ये जो सारी डेट्स हैं मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये 2019 की हैं। वी होप कि इस साल भी जो है डेट का पैटर्न यही रहेगा। तो आप जो है AWES इंडिया की वेबसाइट को कॉन्टिन्यूसली या फिर रेगुलरली इसको चेक करते रहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे, इस चीज़ के लिए यूट्यूब में बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने वीडियोस डाल रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो आप जो है उन यूट्यूब चैनल से भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी कर सकती हैं। अदरवाइज आपको अगर जो है अपने रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए AWS की वेबसाइट में उन्होंने ऑलरेडी एक जगह जो है इसका लिंक दे रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है इन्फो ऑन ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो सपोज आपको PRT का एग्जाम देना है तो आपको PRT का क्वेश्चन पेपर इन लोगों से जो है मांगना पड़ेगा, और अगर आपको TGT PGT आपको जौन सी भी पोस्ट का एग्जामिनेशन देना है उन सब के क्वेश्चन पेपर
इन लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो आप जो है इस वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है एक नोटिफिकेशन दिखाई देने को मिलता है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीएसबी जो होता है वो पार्ट ए एग्जाम, यानी पार्ट ए का मतलब होता है पीआरटी एग्जामिनेशन के लिए एक पेपर के लिए 100 रुपीज, और सिमिलरली जो पार्ट बी एग्जामिनेशन होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है। सपोज आप टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स या पीजीटी मैथ्स, जौन से भी सब्जेक्ट लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप स्पेसिफाई कर दीजिए, और उसका भी पर पेपर जो है आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। देखने की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है कि आपको जो है एक आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली पेपर का जो है डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और पेपर में कौन से शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन द पेपर। अगर आपको पेपर मंगाना है तो आपको न्यू यूजर का जो एक लिंक दिखाई दे रहा है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इसका प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके और ऑनलाइन पेमेंट करके आपके मेल में जो आपने ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर किया होता है उसी ईमेल आईडी में आपको आपके क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुलेगी नहीं। और इसके अलावा भी आप जो है गूगल में बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जागरण जोश है, ग्रेट अप है, रिक्रूटमेंट ग्रुप है, इन तीनों वेबसाइट्स को मैंने देखा था। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने पीडीएफ फॉर्म में AWS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को इन्होंने उनमें अपलोड कर रखा है, तो आप इन वेबसाइट्स को खोल के भी उन जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे आइडिया ले सकते हैं। और यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल स्टडी करने को मिलता है। और इसके अलावा हमारा जो चैनल है वाव एजुकेशन में भी हमने बहुत सारे सालों के, बहुत सारे ईयर्स के जो पीआरटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को हमने अपलोड कर रखा है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं और उनके थ्रू जो है आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सीएसबी एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए या प्रोसीजर चाहिए कि किस प्रकार से आर्मी स्कूल में टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है, तो उसके लिए वाव एजुकेशन का एक वीडियो है, इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये लास्ट ईयर 2019 में इसको अपलोड किया गया था और प्रोसीजर अभी भी सेम है और इसके जो सिलेबस है सिलेबस भी सेम है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जब आपको इसके लिए प्रिपेयर करना होता है तो इसका सिलेबस भी केवी के जो टीचर्स होते हैं उनके सिलेबस से कोई अलग सिलेबस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस होता है। तो अगर आपने कभी केवी के टीचर्स का सिलेबस प्रिपेयर किया है, उनके लिए प्रिपरेशन किया है, तो आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकती हैं। और इसके अलावा मार्केट में अब जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी जो है अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज रही हूँ उस लिंक पर आप क्लिक करिए और देखिए आर्मी स्कूल में रिक्रूटमेंट लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल वाव एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।